हेलो, नमस्कार मित्रों, राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि राजस्थान में जो भी BSTC लेख चर्चित विषय बन चुका है, तो अपन यहाँ पे बात करेंगे BSTC के अंदर फॉर्म भरने से लेके किस प्रकार से अपन BSTC के जरिए वो गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, अच्छे खासे शिक्षक बन सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि BSTC क्या होती है और BSTC कौन कौन कर सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ साथ में क्या किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति भी BSTC कर सकता है, और जो ग्रेजुएशन वाला कर सकता है, आर्ट्स वाला, साइंस वाला, सारे सवालों के जवाब होंगे। साथ साथ में BSTC के अंदर कुल सीटें कितनी हैं, कितनी सीटों पे आपको कॉलेज मिलेगी, और नंबर है वो कैसे मिलते हैं, BSTC के अंदर कैसे प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों के आपको कैसे नंबर मिलेंगे, साथ साथ में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, यानी कि इस वीडियो के अंदर साथियों आपको A to Z जानकारी मिलने वाली है। ये वीडियो देख लेने के बाद आपका BST से संबंधित कोई भी सवाल है वो बाकी नहीं रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काफी काम का है, और आप अगर नए हो, BSTC के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों, BSTC होता क्या है, सबसे पहले तो देखिए BSTC के फुल पंप साथियों बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, तो आपको हो सकता है आपका सबसे अंतिम वाला सवाल हो, फिर भी साथियों आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना होगा ताकि सारी वो आराम से समझ सको आप। BSTC होती क्या, देखिए साथियों BSTC की फुल फॉर्म की बात की जाए तो BSTC की साथियों फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। इनकी साथियों क्या ये सर्टिफिकेट है BSTC, कोई योग्यता विग्यता नहीं है साथियों। पहले इसको BSTC के नाम से जाना जाता था, 2019 तक BSTC को क्या है, इसको BSTC ही कहा जाता था इस सर्टिफिकेट को, क्योंकि उस समय साथियों स्कूल में पढ़ाने के लिए एक बेसिक रूप से सर्टिफिकेट हुआ करता था कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। एक शिक्षक बनने के लिए आपकी योग्यता हुआ करती थी कि भाई सर्टिफिकेट है मतलब आपको योग्यता मिल गई। लेकिन साथियों 2019 के बाद इसको क्या कर दिया गया, इसको साथियों इसका नाम है वो BSTC से बदलकर DLED कर दिया गया। क्या होता है DLED, तो DLED की साथियों अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, डिप्लोमा मिल रहा है, प्रारंभिक शिक्षा के अंदर आपको डिप्लोमा मिल रहा है। वो डिप्लोमा किस लिए है, क्योंकि आप शिक्षक की योग्यता है, आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, गवर्नमेंट एग्जाम आप क्या है गवर्नमेंट में शिक्षक जा सकते हैं। तो साथियों मैं बात करूं यहां पे कि BSTC कहूं या मैं DLED कहूँ, बात एक ही है, इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई BSTC कहे तो भी सेम बात है और DLED कहे तो भी सेम बात है। अब बात करते हैं ये है क्या क्या, कैसे कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मित्रों, ठीक है। तो शिक्षक के लिए साथियों देखिएगा, हर कोई साथियों गवर्नमेंट शिक्षक नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे अपन पटवार का फॉर्म आता है तो अपनी एक वैलिडिटी होती है कि भाई ग्रेजुएशन वाला बंदा ही फॉर्म भर सकता है, उसी प्रकार साथियों शिक्षक बनना है तो शिक्षक के लिए भी एक न्यूनतम योग्यता तय की गई है कि अगर आपके पास ये योग्यता है तो ही आप शिक्षक बन सकते हैं। तो शिक्षक के लिए साथियों योग्यता तय की गई है कि आपके पास डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहां पे साथियों देखिएगा ये कौन कौन कर सकता है, अगर आपको शिक्षक बनना है तो साथियों आपको क्या करनी है, BSTC करनी है, DLED करना है, एक ही बात है, ठीक है। क्या योग्यता होनी चाहिए, आप कहेंगे सर मुझे शिक्षक बनना है तो या मैं कोर्स करना है ये मुझे कैसे कर सकता हूँ, तो साथियों अगर आप 12वीं में अध्ययनरत हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, या फिर 12वीं आपने पास कर ली है, या फिर इस साल आप राजस्थान में 12वीं से प्रमोट हुए हो, साथियों आप जो अध्ययनरत प्रमोट वाले अध्ययनरत में गिने जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपकी मार्कशीट नहीं आई तो आप अध्ययनरत हैं, ठीक है। तो जो 12वीं में इस साल प्रमोट हुए और जो पहले 12वीं पास कर चुके हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे यहां पे जो आपकी अधिकतम उम्र है वो 28 वर्ष रखी गई है साथियों, अधिकतम आप 28 वर्ष के हो तब तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। साथ ही आरक्षण के हिसाब से आपको अतिरिक्त छूट भी मिलती है। साथियों कौन-कौन फॉर्म भर सकता है, तो बात करूं यहां पे कि फॉर्म कौन-कौन भर सकता है, तो साथियों राजस्थान की ये वैकेंसी है, वैसे वैकेंसी नहीं डिप्लोमा कोर्स है राजस्थान का है, मतलब फॉर्म राजस्थान में निकले, लेकिन साथियों ऑल इंडिया के लोग हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस कंडीशन यहां पे ये बनेगी कि राजस्थान वालों को तो आरक्षण मिलेगा, जैसे ओबीसी वाला है तो ओबीसी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा, एससी वाला तो एससी वाले के हिसाब से आरक्षण मिलेगा, एसटी वाले को एसटी वाले के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर आप राजस्थान से नहीं हो, किसी अन्य राज्य से हो, तो आपको जनरल में रखा जाएगा, जनरल कैटेगरी में आप शामिल होंगे। उसके बाद बात करें कि यह डिप्लोमा है वो कितने टाइम का होता है, कितने समय में यह डिप्लोमा पूरा हो जाता है, तो देखिए अब यह कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी बताऊंगा, नौकरी कैसे लेते हैं वो भी दिखाएंगे। देखिएगा
इस डिप्लोमे की साथियों जो अवधि है वो 24 माह से 30 माह तक है, यानी कि साथियों दो वर्ष से ढाई वर्ष तक का ये डिप्लोमा होता है। दो से ढाई साल आपको लगेंगे इस डिप्लोमे को क्लियर करने में। उसके बाद साथियों ये डिप्लोमा आप कहाँ से कर सकते हैं? चलो मान लिया कि भाई अच्छा है, मैं 12वीं पास भी हूँ, मेरी उम्र भी 28 से ज़्यादा नहीं है और मुझे शिक्षक भी बनना है, तो मैं ये डिप्लोमा कहाँ से करूँ? साथियों बहुत ही अच्छा मौका है 2 साल में शिक्षक बनने का। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, एग्जाम होता है इसका पहले प्री एग्जाम होता है, और प्री एग्जाम को जब आप पास कर लेते तो आपको डिप्लोमा कराया जाएगा। प्री एग्जाम होता है साथियों बीएसटीसी या डीएलएड का। कब आते हैं, कैसे होता है साथियों? गवर्नमेंट है वो इसके क्या निकालती है, फॉर्म निकालती है। शिक्षा विभाग इसके फॉर्म निकालता है। क्या अभी फॉर्म निकल चुके हैं? जी हाँ साथियों, अभी फॉर्म निकल चुके हैं और इस साल के फॉर्म निकल चुके हैं। हर साल फॉर्म निकलते हैं, अभी के फॉर्म चालू है साथियों। आप आराम से 10 जुलाई तक फॉर्म है वो भर सकते हैं। चलो आपने फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भरने के बाद क्या करना है? तो साथियों अब परीक्षा देनी होगी। फॉर्म भरने के बाद आपका एक क्या होगा, एग्जाम होगा। लगभग 2-3 महीने बाद एग्जाम हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ये थोड़ा सा डिले भी होता है। तो उसके बाद साथियों इस एग्जाम केंद्र होगा क्या, कैसे प्रश्न आएंगे? तो इस एग्जाम में साथियों वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आते हैं। आप पढ़ देना अ ब स द वाले, वो चार विकल्प वाले प्रश्न आते हैं, ऐसे साथियों आपसे यहां पे प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के। उसके बाद एग्जाम कैसे होगा, चलो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम, एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला, ऑनलाइन एग्जाम इसका अभी तक नहीं होता है, ऑफलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपको ओएमआर सीट दी जाएगी, यानी कि इसका एग्जाम है वो आपका ओएमआर सीट मॉडल रहने वाला है। मित्रों इस बात का भी आपको पता चल गया होगा, प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे, लेवल क्या वो भी अभी बताऊंगा। एग्जाम है वो ऑफलाइन रहेगा और क्या दी जाएगी, ओएमआर सीट आपको दी जाएगी। उसके बाद बात करें कि टोटल प्रश्न कितने आते हैं, तो साथियों टोटल आपके जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं 200 प्रश्न। टोटल इस एग्जाम में 200 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक प्रश्न साथियों यहाँ पे 3 नंबर का रहने वाला, और जो टोटल आपके अंक हो जाएंगे वो 600 नंबर हो जाएंगे। यानी कि साथियों यहाँ पे 200 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, टोटल 600 अंकों के। क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं इसमें, अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो साथियों यहाँ पे देखिए बाकी वाले देखिए 4 सब्जेक्ट है मुख्य रूप से। शिक्षण अभिरुचि रहती है आपकी, उसके बाद आपकी मानसिक योग्यता रहती है, आपके दिमाग को चेक किया जाएगा, राजस्थान का जीके रहेगा और साथ साथ में हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक ले सकते हो, और थोड़े से कुछ एक प्रश्न किसके आएंगे, इंग्लिश के आएंगे। अब यहां पे सभी में मानसिक योग्यता में आपको प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर मिलते हैं, राजस्थान जीके के 3 मिलेंगे, हिंदी का सही है तो 3, अंग्रेजी में प्रत्येक में 3 नंबर मिलते हैं। लेकिन शिक्षण अभिरुचि, बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे उसका तरीका थोड़ा सा क्या है साथियों, निराला है, तो उस निराले तरीके के भी अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए साथियों यहां पे एक आपका सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि। इसमें साथियों क्या होता है, बाकी वालों में तो प्रत्येक सही उत्तर के 3 नंबर मिलते हैं, लेकिन शिक्षण अभिरुचि में अगर आपका उत्तर बिल्कुल ही गलत है तो आपको 0 नंबर मिलेगा, अगर आपका प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा सही है तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर ठीक है मीडियम लेवल का उत्तर दिया तो 2 नंबर मिलेगा, और आपका जो विकल्प का उत्तर है वो पूरा का पूरा सही है तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। तो सर कहेंगे क्या सर ये हमें कॉपी में लिखना पड़ेगा तभी उसको पता चलेगा कि उत्तर कैसा, उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे? नहीं, ये भी आपके अपसेट आएंगे। देखिए 4 अपसेट आएंगे, 4 अपसेट में से 1 अपसेट बिल्कुल गलत होगा तो उसके 0 मिलेंगे, 3 अपसेट आपके सही होंगे। अब जो सबसे ज्यादा सही अपसेट है वो आप चुनोगे ऑप्शन, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 2 और 1 नंबर मिलेंगे। ये साथियों यहाँ पे प्रश्न कैसे आएंगे उसका मैंने आपको तरीका बता दिया, और नंबर कैसे मिलेंगे। अब ये प्रश्न किस लेवल के आएंगे, क्या हार्ड आते हैं सर या सरल आते हैं, तो बता दूं साथियों ये बहुत ही ईजी लेवल है, 12वीं पास वाले बच्चों के लिए विशेष तौर पे ये प्रोवाइड किया जाता है एग्जाम। तो मैं बता दूं यहाँ का जो लेवल रहने वाला ईजी टू मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा सरल भी एकदम यूं हवा नहीं समझना है इसको, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, हार्ड तो समझना ही नहीं है लेकिन ज़्यादा सरल नहीं समझना, यानी कि मॉडरेट लेवल का, मीडियम लेवल का आपका एग्जाम रहने वाला है। क्या सर इस एग्जाम के अंदर मान लिया कोई प्रश्न गलत हो तो हमारे नंबर कटेंगे? जी आपके कोई भी नंबर नहीं कटने वाले, इस एग्जाम में ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्कन का कोई क्या है प्रावधान नहीं है। बात करेंगे टोटल सीटें कितनी है, तो अब बताओ हमारे को बात समझ में आई, एग्जाम हम करेक्ट कर लेंगे, नंबर कितने लाने पड़ेंगे अभी बताएंगे। टोटल सीटें कितनी, कितने विद्यार्थियों को बीएसटीसी करवाई जाएगी, तो साथियों 2019 तक ये सीटें वो क्या है, पहले 2019 से पहले तो ये वापस 19,000 हुआ करती थी, 2019 में सीटें थी साथियों 22,000, लेकिन 2020 का जब फॉर्म निकला तब भी सीटें 22,000 थी, लेकिन काउंसलिंग के समय साथियों शिक्षा विभाग ने एक धोखा दिया है। इसके लिए साथियों क्या है, बड़े दुख है कि साथियों वो छींटे घटा के कितनी कर दी गई, सीटें 19,000 कर दी गई, 3,000 सीटें तोड़ दी गई साथियों, कुछ कॉलेजों को लगभग 30 कॉलेजों को क्या कर दिया गया, 30 कॉलेजों की मान्यता है वो रद्द कर दी गई। ये विवाद अभी भी चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर,
फैसला अभी भी आना बाकी है। और साथियों, अगर हो सकता है कि 2021 के अंदर फैसला पक्ष में आए तो आपकी सीटें वो वापस फिर से बढ़ गए, कितनी हो जाएगी, 22,000 हो जाएगी, नहीं तो 19,000 तो आपकी क्या है, कन्फर्म ही है। फिर भी गवर्नमेंट और भी सीटें बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है, तो इसका जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो हमारे चैनल पर आपको दे दिया जाएगा कि वर्तमान में सीटें कितनी हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। अब बात करेंगे कि सर हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो साथियों देखिए, आप अगर ओबीसी से हैं तो आप मान चलिए कि जनरल सबसे हाईएस्ट, मतलब कठिन से कठिन के सर मुझे तो 0% आरक्षण है, कोई भी आरक्षण नहीं है, फिर भी मेरे को पास होना, तो साथियों आप 420 नंबर से इसमें आराम से पास हो जाते हैं। 420 नंबर लाने होंगे इनके जनरल वालों को, और जिनको आरक्षण है उनको साथियों कम लाने होंगे, आरक्षण के हिसाब से आपके नंबर क्या है कम लाने पड़ेंगे। लेकिन कम से कम जो जिसको कुछ भी आरक्षण नहीं है वो साथियों यहाँ पे 420 नंबर लाने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, फॉर्म भर लिया, पेपर कैसा आता समझ लिया, पेपर दे भी दिया, 420 नंबर भी लेके आए, तो अब पता है आपको, आपने जब इतनी मेहनत की है तो आपका हो गया यहाँ पे सिलेक्शन। सिलेक्शन होने के बाद साथियों आपको कॉलेज फिलिंग करनी पड़ेगी, अपने आसपास की जो भी कॉलेज हैं वो भर लो, जहाँ से आप ये कॉलेज करना चाहते, स्कूल आपको मनपसंद मिलेगी, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। आपने जो जो कॉलेजें भरी उस पर साथियों काउंसलिंग होगी, मेरिट वाइज काउंसलिंग होगी, और कोशिश की जाएगी कि आपको जितना हो सके आपके नज़दीक क्या दे दी जाए, कॉलेज दे दी जाए। अब साथियों आपको मान लिया आपके नज़दीक क्या मिल गई, कॉलेज मिल गई। कॉलेज मिलने के बाद आपका कॉलेज में क्या हो गया, एडमिशन हो गया। 2 साल के लिए आपका कॉलेज में क्या हो गया, एडमिशन हो गया। बीच में आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर यहाँ से कर ली, सेकेंड ईयर वहाँ से करूँ, ऐसा है वो नहीं कर सकते। फीस कितनी रहेगी, तो साथियों 1 साल की जो फीस है वो लगभग 13,000 से 16,000 रुपये के बीच रहती है, यानी कि 15,000 रुपए आपकी क्या रहेगी, 1 साल की फीस रहने वाली है यहां पे। और मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा है कि बीएसटीसी में कुल कितना खर्चा आता है, तो वो भी आप है वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बात करें, 2 साल आपके कंप्लीट हो गए, आपका साथियों डिप्लोमा क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आपको वो योग्यता मिल गई कि आप क्या बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। अब सर कैसे, नौकरी तो नहीं लगी, क्या कॉलेज पूरी होती नौकरी देंगे? तो साथियों देखिएगा, किसी भी भर्ती एग्जाम के लिए न्यूनतम योग्यता होती है, और अपने राजस्थान के अंदर रीट का जो भर्ती एग्जाम, जिसको आरटेट या रीट के नाम से जाना जाता, उसके लिए साथियों ये बीएसटीसी तो आपका एक प्री एग्जाम्स था, जो आपका मेंस एग्जाम रहने वाला शिक्षक बनने के लिए, वो रहने वाला रीट, जिसमें साथियों न्यूनतम योग्यता होती है या तो आप बीएड किए हुए होने चाहिए। साथियों अगर आपने बीएड की हुई है, या तो आप बीएड किए हुए होने चाहिए या आप बीएसटीसी किए हुए होने चाहिए, तभी आप क्या है टीचर बन सकते हैं। तो साथियों बीएड है वो 4-5 साल लग जाते हैं और बीएसटीसी 2 साल में हो जाती है, तो जल्दी टीचर बनने के लिए बीएसटीसी कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आपका रीट का एग्जाम होगा, और रीट के एग्जाम में गवर्नमेंट वो वैकेंसी निकालेगी कि भाई हमें इतने शिक्षक चाहिए, उस हिसाब से साथियों आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम में भी आप पास हो जाते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उस एग्जाम में भी आप साथियों पास हो जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, और बधाई हो साहब आप क्या बन गए हैं, गवर्नमेंट शिक्षक बन गए हैं। तो ये साथियों सोचना आसान है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपको मैंने बताया कि 420 नंबर कैसे लाने, तो इसके लिए मैं साथियों आगे एक वीडियो दे रहा हूं, वो देख लीजिएगा। आपको 420 नंबर लेके आना, फिर अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन है वो कंफर्म हो जाए। तो साथियों मैंने यहाँ पे वीडियो में आपसे जो जो वादे किए थे शुरुआत में, मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में खरा उतरा हूं। मैंने आपको फॉर्म भरने से नौकरी लगने तक का स्टेप बता दिया, बीएसटीसी क्या होती पूरा बता दिया, नंबर कैसे मिलेंगे बता दिया है, विशेषकर शिक्षण अभिरुचि में नंबर कैसे मिलते वो बताया, कौन कौन कर सकता है। तो साथियों बीए वाले भी कर सकते हैं यहाँ पे, आप चाहे बीए आर्ट्स से है तो भी कर सकते हैं, आप साइंस से है तो भी कर सकते हैं, और साथियों यहाँ पे आपके सभी संकाय वाले विद्यार्थी क्या फॉर्म भर सकते हैं, और कुल सीटें कितनी है तो वो भी बता दिया, प्रश्न कैसे आएंगे, नेगेटिव मार्किंग बता दिया। इनके साथियों अब भी आपका कोई सवाल अगर रहा है, कैसे नहीं, अब भी मेरा कोई सवाल रहा है कि पीटीटी कर रहा हूं, बीएसटीसी करो या नहीं करो, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बेफिक्र रहिए। अब यहां पे देखिएगा, अब और भी अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके उस सवाल का जरूर रिप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने में मैं खरा उतरा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर दे, ताकि 13 जून से हमारी बीएसटीसी की ऑलरेडी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, आप उन क्लासों को मिस ना कर पाए, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलेंगे अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन के साथ, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।